आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना तथा सहयोग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों, विशेषकर उन लोगों को बधाई दी है जो बाघ संरक्षण के काम में रुचि ले रहे हैं। कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल आबादी के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत ने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और उनके लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस अवसर पर प्रदेश में वन विभाग द्वारा विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम सभी को अपने राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के लिए जागरूक करता है। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके लिए टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड भी मिल चुका है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। महज 7 वर्ष पुराने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मोटे अनुमान के हिसाब से करीब 70 बाघ मौजूद हैं। इनके संरक्षण के बारे में टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया। ग्लोबल टाइगर डे 2021 में जिसकी थीम है कि देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, तो उस थीम को पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूरी तरह से उसको फुलफिल कर रहा है। हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जहां 2014 में 25 बाघ थे, 2018 की गणना में 65 बाघ हो चुके हैं। जो ग्लोबल टारगेट 2010 में दिया गया था कि बाघों की संख्या को डबल करेंगे, TX2 अवार्ड हमारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को उस डबल करने के लिए दिया गया है। और बाघों की संरक्षण के लिए यहां रेस्क्यू सेंटर, रिवाइल्डिंग सेंटर, रैपिड रेस्पॉन्स टीम ऐसे नए काम किए जा रहे हैं। PTR में प्रस्तावित रेस्क्यू सेंटर बनने से बाघों के संरक्षण में और अधिक सुधार की उम्मीद है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को किया संबोधित। कहा, आज शुरू की गई योजनाएं नए भारत के निर्माण में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में महिला अस्पताल और टीकाकरण कार्य का किया निरीक्षण। कहा, कोरोना महामारी अभी नहीं हुई है समाप्त, लोग न बरतें कोई लापरवाही। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 60 नए रोगी, 44 हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 787। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज आयोजित किए गए विविध जागरूकता कार्यक्रम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वर्ष 2014 में 25 बाघों के मुकाबले अब संख्या बढ़कर हुई 70। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।